पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन ऐश और उसका एस पोकेमॉन पिकाचू जिसने उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाया है, वो अपने जर्नी पर है पोकेमॉन मास्टर बनने के, जिसके बाद वो दोनों अपने 25 साल के ड्रीम को अचीव कर लेंगे। ऐश को नहीं पता था कि अब क्या करना है, तो वो जाता है पैलर टाउन अपने घर पर प्रोफेसर ओक से सलाह लेने। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि पोकेमॉन मास्टर बनना पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बनने से कहीं ज्यादा हार्ड है। इसके लिए तुम्हें अलग अलग टास्क करने पड़ेंगे, जैसे कि तुम्हारे पास 5 लेजेंडरी पोकेमॉन होने चाहिए, तुम्हारे पास सारे 18 टाइपिंग के पोकेमॉन होने चाहिए, और थर्ड रिक्वायरमेंट है कि तुमने 5 चैंपियंस को हराया हो। अगर तुमने ये तीनों चीजें की है तो तुम पोकेमॉन मास्टर बनने जा सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि अभी का पोकेमॉन मास्टर एक अनबीटेबल और मिस्टीरियस ट्रेनर है, जिसको हराना नामुमकिन माना जाता है। अभी तक कोई भी उसके 3 से ज्यादा पोकेमॉन को डिफीट नहीं कर पाया है, और उसके पास नॉर्मल पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ये सुनकर डरने के बजाय ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ऐश ने पहले से ही सिंथिया, स्टीवन, आयरिस और लियोन को हरा रखा था, बट उसको एक और चैंपियन को हराना था, जिसके लिए ऐश जोटो रीजन जाता है और वहाँ पर वो लैंस को चैलेंज करता है एक पोकेमॉन बैटल के लिए। ये एक प्रॉपर 6 vs 6 पोकेमॉन की बैटल थी। ऐश की पोकेमॉन टीम होती है पिकाचू, स्नोरलैक्स, ड्रैगनाइट, हेराक्रॉस, लाइकेनरॉक और उसका नया गार्चॉम। ऐश लैंस को टेस्ट करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी बेस्ट टीम यूज नहीं करता है। और वहीं पर लैंस की पोकेमॉन टीम होती है हाइड्रीगन, गैलाडोस, ड्रैगनाइट, चारिजार्ड, एरोडैक्टाइल और किंगड्रा। दोनों के बीच में काफी ऑसम बैटल होती है, दोनों अपना बेस्ट देते हैं, बट यहाँ पर ऐश काफी इजीली जीत जाता है और वो प्रूफ कर देता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन क्यों है। अब ऐश ने 5 चैंपियन हरा चुके थे। अब ऐश का नेक्स्ट टास्क था कि उसको हर एक टाइपिंग के पोकेमॉन को पकड़ना है। ऐश के पास 18 में से 16 टाइप के पोकेमॉन थे और उसको 2 और टाइपिंग के पोकेमॉन पकड़ने थे, जो कि थे फैरी और साइकिक टाइप। इसके लिए ऐश थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अपने मिस्टर माइम को पोकेबॉल में कैच कर लेता है, जिससे मिस्टर माइम ऐश के मॉम के पोकेमॉन से कन्वर्ट होकर ऐश का पोकेमॉन बन जाता है ऑफिशियली। मिस्टर माइम एक साइकिक और फैरी टाइप का पोकेमॉन है, तो इससे ऐश का सेकंड टास्क कंप्लीट हो जाता है। अब ऐश के पास नेक्स्ट और फाइनल टास्क बचता है, जहाँ पर उसको 5 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने थे। ये टास्क सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। सबसे पहले ऐश अलोला रीजन जाता है, जहाँ पर वो अपने सोलगैलियो से मिलता है। इतने दिनों बाद ऐश को देखकर सोलगैलियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों काफी टाइम तक साथ रहते हैं। फिर ऐश बोलता है कि मुझे एक टास्क मिला था जिसके अकॉर्डिंग मुझे 5 लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने हैं, तो क्या मैं तुम्हें कैच कर सकता हूँ? सोलगैलियो इसके लिए हाँ बोल देता है और ऐश पोकेबॉल का यूज करके सोलगैलियो को कैच कर लेता है। बट वो सोलगैलियो को वादा करता है कि अगर वो एक बार पोकेमॉन मास्टर बन गया तो वो उसको दोबारा रिलीज कर देगा, पर अभी के लिए सोलगैलियो को ऐश के साथ रहना पड़ेगा। फिर ऐश सोचता है कि अब मैं नेक्स्ट लेजेंडरी पोकेमॉन कौन सा पकड़ू। ये सोचते सोचते वो प्रोफेसर कुकुई के पास जाता है एंड वो अलोला रीजन के बीचेस भी घूम के आता है एंड वहाँ पर उसको टापू कोको दिखता है। दोनों काफी टाइम बाद मिले थे तो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और टापू कोको ऐश को कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। ऐश बोलता है कि मुझे कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन की जरूरत है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो ताकि मैं पोकेमॉन मास्टर बन पाऊ? टापू कोको ऐश का काफी अच्छा दोस्त था, तो वो ऐश के साथ जाने का फैसला करता है। अब ऐश के पास 2 लेजेंडरी पोकेमॉन हो चुके थे। इसके बाद वो यूनोवा में जाता है, जहाँ पर वो विक्टिनी से मिलता है, पर वो देखता है कि विक्टिनी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, तो वो विक्टिनी को पोकेमॉन सेंटर लेकर जाता है और उसको ठीक कराता है। इसके बाद विक्टिनी की आँख खुलती है और वो ऐश को देखती है। ऐश को देखते ही वो ऐश को गले लगा लेती है, बट ऐश को नहीं पता था कि ये वही विक्टिनी है जिसने ऐश की मदद की थी जब ऐश ठंड के वजह से ऑलमोस्ट मरने वाला था। विक्टिनी को अभी भी याद था कि ऐश वही है जिसने उसकी समुंदर देखने की ड्रीम पूरी करी थी एंड ऐश ने विक्टिनी को दोबारा बचाया। फिर ऐश पूछता है कि तुम्हें इतना कमजोर किसने किया? विक्टिनी ऐश को उस जगह पर लेके जाती है जहाँ पर उसको एक पोकेमॉन ने घायल किया था। तभी अचानक से काफी सारे पोकेमॉन विक्टिनी के ऊपर अटैक करने लगते हैं और विक्टिनी को बचाने के लिए ऐश अपने पिकाचू को थंडर बोल्ट यूज करने बोलता है, जिससे पिकाचू सारे पोकेमॉन को हरा देता है। बट ऐश जानना चाहता था कि आखिर ये सारे पोकेमॉन क्यों इतना गुस्से में है। ऐश उस जगह को अच्छे से देखता है तो उसको एक गुफा देखने को मिलती है, जिसके अंदर वो जाता है और उसको एक लाटियोस देखने को मिलता है, जो कि ऐश को देखते ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और ऐश काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। तभी विक्टिनी और पिकाचू भी लाटियोस के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर तभी उन दोनों की फाइट रोकने के लिए उनके बीच में लाटियास आ जाता है, जो कि काफी वीक लग रहा था। लाटियास ऐश के पास जाता है। ऐश को पता चलता है कि ये वही लाटियास था जिसके साथ उसने काफी अच्छी दोस्ती बनाई थी। लाटियास भी ऐश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर लाटियास और ऐश दोनों काफी ज्यादा कमजोर हो चुके थे, तो वो दोनों दोबारा से पोकेमॉन
सेंटर जाते हैं। ऐश लाटियास से पूछता है कि अब तुम कैसे घायल हुए। लाटियास ऐश से कनेक्ट होकर बताता है कि हम उड़कर होयन रीजन जा रहे थे, पर बीच में ही हमारे ऊपर एक धमाका हुआ जो कि डेफिनेटली किसी पोकेमोन ने नहीं किया था, ये किसी इंसान ने किया था, जिससे लाटियास घायल हो गया था। तो अब ऐश वो ढूंढने निकल जाता है कि यह धमाका किसने किया था। पोकेमोन सेंटर में एक टीवी रखी हुई थी जहाँ पर पोकेमोन न्यूज चल रही थी। वहाँ पर ऐश को पता चलता है कि यूनोवा रीजन के एक जगह पर एक एविल टीम ने काफी ज्यादा तबाही मचा रखी है और वो एक एक करके सारे लेजेंडरी पोकेमोन को घायल कर रहे हैं और उनको पकड़ना चाह रहे हैं। तभी ऐश अपने सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन और लेजेंडरी पोकेमोन को लेकर वहाँ पर निकल जाता है। ऐश वहाँ पर पहुँचता है तो उसको देखने को मिलता है कि हर जगह पे धमाका हो रहे हैं और ऐश के ऊपर भी वो लगने वाला था, पर तभी ऑफिसर जेनी आकर ऐश को बचा लेती है और वो बोलती है कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, काफी सारी एविल टीम्स मिलकर लेजेंडरी पोकेमोन को कैच और कंट्रोल करना चाहती है, जिस वजह से यूनोवा रीजन में काफी ज्यादा तबाही हो रही है। ऑफिसर जेनी ऐश और उसके सारे पोकेमोन को एक सेफ जगह पर लेके जाती है। ऐश बाहर देखता है तो उसको पता चलता है कि उन एविल टीम ने ऑलरेडी लेजेंडरी बर्ड यानी कि आर्टिकुनो, मॉल्ट्रस और ज़ैपडोस को कंट्रोल में करके रखा है। ये देखकर ऐश से रुका नहीं जाता और वो लाटियास के ऊपर बैठकर उनको बचाने चले जाता है। एविल टीम से ऐश को देख लेती है और वो ऐश के ऊपर अटैक करने का ट्राई करती है, पर लाटियास की स्पीड काफी ज्यादा थी जिससे ऐश के ऊपर एक भी अटैक नहीं लगता और वो आर्टिकुनो के पास पहुंच जाता है एंड उसके ऊपर बैठ जाता है। वो आर्टिकुनो को एविल टीम के कंट्रोल से बाहर निकालने का ट्राई करता है पर वो बिल्कुल एविल बन चुके थे। वो ऐश की बात नहीं सुनते और उल्टा ऐश को गिरा देते हैं। फिर लाटियास आके ऐश को बचा लेता है। ऐश सोचता है कि इस तरह से हम इनको नहीं रोक पाएंगे, हमें कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा। तभी ऐश को कैंटो रीजन से प्रोफेसरों का कॉल आता है और वो ऐश को कैंटो रीजन में अर्जेंटली बुलाते हैं। ऐश उनकी बात मानकर जल्दी से कैंटो रीजन चले जाता है अपने सारे पोकेमोन को लेकर, जहाँ पर प्रोफेसरों बताते हैं कि पहले सारी एविल टीम एक दूसरे की दुश्मन हुआ करती थी, पर अब सारी एविल टीम मिलकर एकजुट हो चुकी है एंड इनको रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। टीम गैलेक्टिक, टीम फ्लैर, टीम रॉकेट, टीम मैग्मा और टीम एक्वा, ऐसी और भी काफी सारी टीम एक साथ मिल चुकी है और इनका गोल सारे लेजेंडरी पोकेमोन को कैच और कंट्रोल करना है, जिससे ये पूरे वर्ल्ड पर राज कर पाएंगे।